अमृता विराट को लेकर रात में अपने घर आ जाती है। भवानी और चाहन को और घर पे नहीं होते, अमृता विराट को लेकर अपने कमरे में सुला देती है, जहाँ पे हर्षा कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और बाहर देखता रहेगा कि भवानी कब घर के अंदर आती है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अमृता पूछती है विराट से कि आपका फ़ोन कहाँ गया, तो विराट बताता है कि जब मैं जा रहा था एक आदमी आया, मेरा वॉलेट मेरा फ़ोन सब कुछ छीन कर चला गया था। अमृता समझ जाती है कि शायद ये वही आदमी है जिसकी मौत हो गई है। पुलिस वाले वहाँ पे आते बताते ये एक जेब कतरा था जिसकी मौत हो गई है। तो विराट कहता है कि इसकी मौत हो गई, इसकी मॉम घर में इंतजार कर रही होगी ना, अगर इसकी मॉम इससे प्यार करती होगी। विराट काफ़ी सैड हो जाता और कहता है मैं ही इसकी जगह मर जाता तो अच्छा होता। तो अमृता कहती है ऐसी बातें ना करें और अमृता उसे समझा रही होती। इधर दिलदार का रो रोकर बुरा हाल हो गया होता, उसे लगता है कि वो अपने बच्चों को अपने घर को नहीं संभाल पा रहा। निम्मी वहाँ आती है बताती है कि विराट भाई बिल्कुल ठीक है, परेशान मत होइए, भाभी उसे लेकर लौटती होंगी। तभी यहाँ पर दिलदार बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते और कहते कल को अगर राजीव घर के अंदर आ गया तो बबीता जी उसे भी रख लेंगी, प्रियंका को रख लेंगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो, मैं किसी को भी इस घर में आने नहीं दूंगा। इधर रात में अमृता विराट को लेकर घर लौटती है और अपने कमरे में से जाकर सुला देती है, जहाँ पे हर्षा भी उसकी हेल्प करता है। हर्षा बताता है कि आई घर पे नहीं है, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज होती। हर्षा कहता है कि मैं बाहर इंतजार करता और देखता रहता हूँ कि कब आई घर के अंदर वापस आती है, तब तक आप इनका ख्याल रखिए। अमृता यहाँ पे विराट के साथ कमरे में होती है, जहाँ हर्षा बाहर में इंतजार कर रहा होता है।